ओम शांति। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सी द सुधा ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम कंबाइंड फॉर्म में आ जाएं और उसके बाद में हम सेवा करें आगे जीवन में। तो देखें परमात्मा उसका कहने का मतलब क्या है कंबाइंड फॉर्म का। बाबा कहते हैं कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भवा। कंबाइंड होंगे तो सफलता आएगी। विस्तार में चलें, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, मैं आत्मा इस मुख रूपी ऑर्गन को इस्तेमाल करके आपके साथ में बात कर रहा हूं। अगर मैं आत्मा शरीर छोड़ दिया तो मैं कंबाइंड नहीं हूं, मैं सेपरेट हो गया, राइट? आप समझ गए होंगे। लेकिन जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूं तब तक ये मुंह चलेगा, आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे। जब मैं आत्मा निकल गई ये सारी चीजें काम करना बंद कर देंगे तो कंबाइंड नहीं हुआ। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। विष्णु को अगर आपने देखा होगा, विष्णु जी को क्या दिखाते हैं, चार हाथ दिखाते हैं। वो चार हाथ का अर्थ परमात्मा पिता ने हमें सिखाया कि कोई व्यक्ति चार हाथ के साथ नहीं हो सकता। अगर चार हाथ होंगे तो पैर कितने होने चाहिए, दो तो नहीं दिखा सकते ना। तो चार हाथ होंगे तो पैर भी ज्यादा ही होंगे। तो चार हाथ का मतलब है कि स्त्री के दो हाथ और पुरुष के दो हाथ। तो स्त्री और पुरुष के अंदर, दोनों के अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज होने के कारण, ज्ञान होने के कारण वो बराबरी में चल रहे हैं। दोनों को क्रोध नहीं आता, दोनों को अहंकार नहीं आता, दोनों को ईर्ष्या या घृणा नहीं आती, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान है। तो वो कंबाइंड रूप हो गए, दे आर इक्वल इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है, मैं आत्मा और परमपिता परमात्मा हम कंबाइंड हैं। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। अपनी भी सेवा करनी है, अपनी भी बैटरी चार्ज करनी है मेडिटेट करके, और फिर औरों की सेवा करनी है। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। इतनी सेवा में बिजी हो गए, मेडिटेशन नहीं करी टाइम पर, सुबह अमृत वेला 3:30-4 बजे नहीं उठे हम, अपने आप को नहीं देखा, रात भर सेवा में बिजी रहे और उनकी मदद करते रहे और खुद को ही भूल गए, तो अपनी बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। फिर चिड़चिड़ापन आएगा, फिर क्रोध आएगा, फिर हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटते तो कहो माया आ गई, सेवा करने गए क्रोध आ गया, मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, मैं इतनी मेहनत करी दिन भर रात भर मैंने इसकी सेवा करी लेकिन मेरे को ऐसे ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने बर्तन साफ करे, मैंने स्टेज पे इतने अच्छा लेक्चर दिया लेकिन मेरे को बोल दिया आप ये चीज़ भूल गए आप बोलना, अरे ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। तो अपनी भी बैटरी चार्ज करो, उसके बाद में किसी की बैटरी चार्ज करो। परमात्मा ये चाहते हैं कंबाइंड स्वरूप से सेवा करनी, यानी कि मैं डिस्चार्ज हूँ और औरों की बैटरी चार्ज करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, फिर सेवा सच्ची सेवा नहीं हो पाएगी। तो आज का ये श्री वरदान, ये कैसे बैटरी चार्ज करनी है आप ब्रह्मा कुमारीज में आकर के चेक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ओम शांति।